हिंदू है, जबकि हिंदू सिख नौ मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। हम एक हैं, एक रहेंगे। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान में पंजाब चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। तो याद रखना, ये पंजाब में आग लग चुकी है। बिल्कुल, 36,000 लोगों का खून पीने के बाद हम फिर खून पीने पे आ गए कि ड्रोन, आरडीएक्स और अब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। पिछले कुछ वक्त में अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और खास मेहमान जो आज हमारे साथ पांच का प्रहार में जुड़ रहे हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको मिलवा दूं, बता दूं, एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रिपब्लिक भारत में। लेकिन जो कुछ पंजाब में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो पाकिस्तान प्लस तालिबान प्लस खालिस्तान, ये जो कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है, ये कितना खतरनाक है? देखो मैडम, ये कम से कम 3-4 साल से ड्रोन के जरिए कहीं और से पाकिस्तान से हथियार खुल के आ रहे, टिफिन बम आ रहे। और आपने देखा होगा किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तान के नारे खुल के लगे। दीप संधु, जिसने तिरंगे झंडे का अपमान किया, खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए, तिरंगे झंडे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का अपमान किया। और अभी जब उसकी मौत हुई तो आप देखिए उसके संस्कार के ऊपर पता क्या नारा लगे मैडम, कोई गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। जो कार्रवाई नहीं हुई, कब से खालिस्तान के नारे लग रहे हैं वहां पे। अभी आप देखिए करनाल के अंदर मैं गया, 4 बब्बर खालसा के आतंकवादी, खतरनाक आतंकवादी पकड़े गए। आपने सबने न्यूज चलानी थी, आपके पास कोई और मुद्दा है, इस न्यूज को छोड़ दिया। अगर उस वक्त आपने उस न्यूज को सब चैनलों पे दिखाया होता, खैर ऐसा हादसा ना होता। हम कई बार न्यूज को बदल देते, हम चीज को छोटा ले लेते। आज इतना खतरनाक हमला, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस, जहां से सारा देश का सिस्टम, स्टेट का सिस्टम चलता है, इंफॉर्मेशन आती है। मैं काफी साल पहले किसी अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई, कई साल पहले की बात है, मैंने उस वक्त अनुभव कर लिया कि जब दफ्तर सेफ नहीं है। पहली बात तो ये इंटेलिजेंस का ऑफिस मोहाली में होना नहीं चाहिए था, ये चंडीगढ़ में जहां पुलिस हेडक्वार्टर है वहां होना चाहिए था। दूसरी बात, हम रोज आतंकवादियों को पंजाब में छोड़ने की बात करते हैं, डेली कोई दिन खाली नहीं जाता पंजाब के अंदर। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हजारों बेगुनाहों के कातिलों को छुड़ाना नहीं चाहती? और कहते हैं हम उनको छोड़ दो, उनका नाम पता क्या रखते हैं, ये बंदी सिख, बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, बहनों के सुहाग उजाड़ने वाले, बच्चों को यतीम करने वाले, खून की नदियां बहाने वाले, पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह को शहीद करने वाले, मेरे ऊपर बम चलाने वाले, 38 लोगों की दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के शहादत और 70 के करीब जख्मी, खुले आम कहते हैं इनको छोड़ दो, तो क्या आतंकवाद समाप्त हो पाएगा? पार्टियों की बात बाद में करें, पहले ये हमें फैसला करना होगा, क्या पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां पहले की तरह कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसएस के लोग जो शहीद हुए, क्या सब पॉलिटिकल पार्टियां एक होके विरोध करेंगी? एक तरफ पंजाब में बेगुनाहों के कातिलों को छुड़ाने की बात खुल करके कोई शर्म नहीं। अरे बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, करनाल के अंदर अगर वो बम चल जाते, अगर पुलिस ना पकड़ती, अगर सेंटर की इंटेलिजेंस ना सहयोग देती, उसमें हिंदू भी जाता, मुसलमान भी जाता, सिख भी जाता, ईसाई भी जाता। हम धर्म की पॉलिटिक्स करते करते इस पंजाब को तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते। सवाल सबसे बड़ा, आतंकवादी आतंकवादी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उस पे अगर राजनीति हम करेंगे कि हमें सिख वोट मिल जाएगा, हमें ये वोट मिल जाएगा, हम खालिस्तानियों का वोट मिल जाएगा, तो याद रखना ये पंजाब में आग लग चुकी है। बिल्कुल। और एक और चीज बता दूं, सिख समाज के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वक्त आ चुका है। हिंदू मेरा भाई नहीं, हिंदू भाई बात करेगा कहते तू फिरका प्रस्त है, तू हिंदू है, जबकि हिंदू सिख
नौ मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारी बेटियां उनकी बेटियां हमारे घरों में हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे। पर सिख समाज के अंदर से आवाज उठनी होगी, खालिस्तान मुर्दाबाद, इन खालिस्तानियों को जवाब देना होगा, शहादत देनी पड़े देंगे, हम भी मौत का कफन बांध के हम निकल चुके, बहुत 15 साल घर में बैठे, अब खुल करके लड़ेंगे। इनको कह देना चाहता हूं खालिस्तानियों को, आपके चैनल के द्वारा, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह एमएस बिट्टा की लाशों पे गुजर जाएगा। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा बिट्टा जी ने कहा, हर आदमी को ये नारा लगाना चाहिए कि ना खालिस्तान कभी था, ना है और ना बनेगा, और खालिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह का नारा हमारे हर साथी को लगाना चाहिए, तभी हम इस आतंकवाद के ऊपर काबू पा पाएंगे, वरना इसी तरह से हादसे होते रहेंगे और हम उन्हें भुगतते रहेंगे। प्रथम राष्ट्र हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। मैडम मैं हिंदुस्तान की जनता को बता देना चाहता हूँ, पर हिंदुस्तान के सिख समाज के लोगों को गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, जब भी खालिस्तान के नारे लगे, जब भी तिरंगे झंडे का अपमान हो, हिंदू हो मुसलमान सिख ईसाई के, खुल करके विरोध करें। आज पंजाब से बाहर सिख समाज पूरी दुनिया के अंदर उसको इज्जत मिलती, उनको सम्मान मिलता है, लोग हमें इतनी इज्जत देते हैं, उन सिख समाज के कभी लोगों का पंजाब के खालिस्तानियों ने सोचा क्यों हुए थे 84 के दंगे? हमारी गलतियों से, राजनीतिक गलतियों से हुए थे 84 के दंगे। पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, उसके बाद दिल्ली के अंदर हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ, उनके जख्मों पे अभी मरहम हम नहीं लगा पाए। आज 36,000 बेगुनाहों का, खालिस्तानियों का खून पीने के बाद अभी भी इनको होश नहीं आई, अभी भी खालिस्तानियों पे राजनीति करते हैं भगवान। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला, और मुझे लगता है कि ये पॉइंट जैसा है कि क्योंकि देखिए देश की सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मसला है, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में राजनीतिक दलों को राजनीति करनी चाहिए, इससे बाज आना चाहिए, मुझे ये लगता है। लेकिन बिट्टा साहब, पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो देश में देखिए ये गतिविधियां बहुत ज्यादा बड़ी है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा जो है वो एक बड़ी चुनौती है, बाहर के दुश्मन से तो निपट लेंगे, लेकिन अंदर ये जो दुश्मन है, ये जो दीमक है, ये ज्यादा खतरनाक है, ये बड़ी चुनौती है। मैं एक चीज कर, कवि प्रदीप जी का एक नारा हुआ करता था आजादी के वक्त और आजादी के बाद, जब देश के गद्दार इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करते थे, कहनी है एक बात सही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, अरे जीवन है क्या, पूछना चाहता हूँ उन खालिस्तानियों को, छोटा सा जीवन है, आज है कल नहीं, अरे हम शुक्र करते हैं इस मातृभूमि के अंदर, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज, जहां गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जहां अभी नरेंद्र मोदी जी ने चांदनी चौक के अंदर पहली बार लाल किला के अंदर कहा, अरे हिंदुस्तान तो 10 गुरु साहबानों की शहादत तो सजा हुआ है, अरे गुरु अर्जन देव जी महाराज इतनी बड़ी कुर्बानियां चाहते सिख कौम की, और आज हम लोग अपनी आंखों के सामने जब खालिस्तान के नारे लगते हैं, जब हिमाचल की विधानसभा के अंदर वो देवभूमि जिनको किसी लड़ाई झगड़े का कोई फर्क नहीं, वहां आके झंडे लगा के बेगुनाहों के कातलों की तस्वीरें लेके, जिनके कहने पे अभी भी नहीं रुक रहे, पर ये कह रहा है कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, तकलीफ होगी खालिस्तानियों को, और कौन निकले, निकले हमारे जैसे लोग, निकले हमारे जैसे लोग। लेकिन सर ये तो ये कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर नहीं थमेंगे, अभी तो मोहाली पर ही उन्होंने हमला किया है ना, अभी तो हिमाचल भी है, क्यों नहीं निकले? हाँ, क्यों नहीं निकले? ये सबसे बड़ा भयंकर सवाल है। हाँ, किसी और के बोलने से कुछ नहीं होगा, जब हिंदुस्तान का सिख समाज का लीडर, कौम का लीडर निकलेगा, और मजलूमों को मारने वाले, बम चलाने वाले, सिख कौम की पगड़ी के ऊपर दाग लगाने वाले को, नकाबों को नंगा नहीं करेगा, हमारी पगड़ी जो गुरु महाराज ने खून से सजाई उस पे दाग लगाते रहेंगे ये लोग। हम लोगों को निकलना होगा, पंजाब में हम निकले थे ना, चीफ मिनिस्टर सरदार बेन सिंह निकला था ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई निकले थे ना, कुर्बानी दी थी ना, पंजाब को अमन शांति आया ना, फिर
फिर 36,000 लोगों का खून पीने के बाद हम फिर खून पीने पे आ गए। 36,000 में से 19,000 मेरे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। मेरा हिंदू भाई कभी गिला नहीं किया, एक ही कहता है कोई बात नहीं उन्होंने गलती की। हमारा 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। हम फिर रोज पंजाब के अंदर नारा लेकिन लगाते हैं हिंदू ने क्या बिगाड़ा इस देश का, हिंदू ने क्या बिगाड़ा पंजाब का, क्या हिंदू के हाथ में तरछूल था? क्या हिंदू जिस तरह से ब्रेन वॉश हो रहा है, क्योंकि देखिए सीमा पार से अफगानिस्तान को हथियार दरअसल बनाया जा रहा है और देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में वो ये नहीं कर पाया क्योंकि देख रहा है कि वहां पर किस तरह एक के बाद एक ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अब उसने यहां ये जो साजिश है वो करनी शुरू कर दी है। उससे कैसे बचाएंगे आप उन युवाओं को? मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर जब आतंकवाद था लगता था पंजाब हिंदुस्तान से टूट जाएगा, पंजाब ये भूखे नंगे पाकिस्तान से मिल जाएगा, पंजाब में खालिस्तान बन जाएगा। एक आवाज निकली पंजाब में हिंदुस्तान से, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस के लोग शहीद हुए, सीपीएम सीपीआई अकाली दल का कुछ हिस्सा क्या कहा, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान में पंजाब चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। धार धार करके एक साल में आतंकवाद को समाप्त किया। मिसाल आपके सामने है, आपके सामने है मिसाल कि आज पॉलिटिकल पार्टियां सामने क्यों नहीं खड़े होती। ठीक है, सवाल पूछिए हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को, एक मंच पे इकट्ठी नहीं होती। याद रखना मैडम, मेरी बात लिख लेना, हर चीज को पहले कह देता हूँ, अब की लगी हुई आग ये बहुत खराब होगी। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, हमारी कौम में से गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर की महाराज की कौम में से निकलना होगा, एंड खालिस्तानियों को विरोध करना होगा कि आप खालिस्तानी हो, आप देश को तोड़ना चाहते हो, आप देश में खालिस्तान बनाना चाहते हो, आप पंजाब में भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहता हूँ। हमें अपने ब्रेन अपना हृदय प्रथम राष्ट्र के लिए लाना होगा। डबल पॉलिसी नहीं चलेगी हिंदुस्तान में, नहीं तो गंदी राजनीति करते करते पंजाब को फिर हम तबाही के रास्ते पे ले जाएंगे।